See me after a fortnight. Okay, doctor. Come in. Namaste, doctor. Namaste. बैठो। मैंने तो तुम्हें परसों आने को कहा था, आज आज मैं अपनी तबीयत के बारे में जानने नहीं आया हूं। फिर नैना को क्या हुआ है? देखिए, अपने मरीज की बीमारी के बारे में किसी दूसरे से बात करना हमारे पेशे के खिलाफ है। ये सवाल मैं एक डॉक्टर से नहीं कर रहा हूं, नैना के पिता से कर रहा हूं। आखिर क्या बीमारी है नैना को? कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, इन मेडिकल टर्म्स टेटोलॉजी ऑफ फेलो। क्या यह बीमारी जानलेवा है? कभी कभी जानलेवा हो सकती है। मतलब नैना के साथ भी? डॉक्टर साहब, क्या कोई रास्ता नहीं? क्या इस बीमारी का इलाज कहीं और नहीं हो सकता? मेरा मतलब है किसी बड़े शहर में या फिर देश के बाहर। जब हमें नैना की बीमारी का पता चला तब हम उसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में ले गए थे। वहां उसका इलाज करवाया, दो ऑपरेशन भी किए, थोड़ी सी हालत सुधरी, लेकिन उसके बाद हार्ट वॉल्व ने काम करना, ठीक तरह से काम करना बंद कर दिया। आज वो सिर्फ अपनी किस्मत के जोर पर बची हुई है। मगर ये किस्मत और कितने दिनों तक उसका साथ देगी कुछ कहा नहीं जा सकता। रोज सुबह उसकी सूरत देखकर जब मैं अस्पताल के लिए निकलता हूं तो पता नहीं होता कि जब शाम को घर लौटूंगा तब मैं उसे क्या? मैं नैना से मिल सकता हूं? हाँ, मिल लो, मिल लो। वो घर पर ही है। घर पर? यहां अस्पताल में उसका दम घुटता है विकी। वो चाहती है कि उसकी जिंदगी के बचे कुछ दिन यहां अस्पताल की घुटन के बजाय खुली फिजा में आजादी की सांस लेकर गुजारे। आज मैं खाना बना रही हूँ, मेरे हाथ का बना खाना खाओगे? नहीं। क्या तुम्हें पता है कंजेंटल हार्ट का मतलब क्या होता है? ये बीमारी पैदाइशी होती है और उम्र के साथ बढ़ती जाती है, और दिल दो हिस्सों में बंटा रहता है, एक हिस्से में साफ खून और दूसरे हिस्से में गंदा खून रहता है। मेट्रल वॉल और आयटिक वॉल्स में नुक्स होने की वजह से दिल में एक सुराख हो जाता है, जिसकी वजह से साफ खून और गंदा खून आपस में मिल जाता है। दिल पूरी तरह खून को साफ नहीं कर पाता, इसलिए दूसरे हिस्सों में खून नहीं पहुंचा पाता। अब तुम ही कहो, ऐसी हालत में कोई आदमी कैसे जिंदा रह सकता है? बस इतनी सी कहानी और कहानी खत्म। ये सब जानते हुए भी तुम इस तरह रहती हो? कैसे? देखो, एक दिन तुम भी मरने वाले हो। हाँ, ये शीतल भी मरेगी, और ये जो पिंकी है ना, ये भी मर जाएगी, और ये जो दांत दिखाकर हंसती है ना टुक टुक, ये भी मर जाएगी, और ये जो पेड़ पौधे है ना, ये भी मरने वाले हैं। सो मैं भी मर जाऊंगी। बस फर्क सिर्फ इतना है कि मैं दो दिन पहले मरने वाली हूँ। अब तुम खुद ही सोचो कि जिसके पास वक्त कम हो उसे तो जिंदगी और भी जीनी चाहिए ना। और फिर कल किसने देखा है? कल के बारे में क्यों फिक्र करें? जो कुछ है वो आज है, जो आज जी गया वो सारी जिंदगी जी गया। इसलिए मैं तो इसी तरह जीती हूँ। अगर तुम्हें पसंद है तो तुम यहाँ बैठो, खाओ पियो, मौज करो। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम जा सकते हो। टुक टुक, इन्हें दरवाजा दिखाओ। हेलो,
कल किसने देखा है, कल के बारे में क्यों फिक्र करें, जो कुछ है वो आज है, जो आज जी गया वो सारी जिंदगी जी गया, इसलिए मैं तो इसी तरह जीती हूँ। दो दीदी को। ए, क्या है ये? ऐसे घूर घूर के क्या देख रहा है मेरी तरफ? क्या है तेरे दिल में? बोलोगे नहीं कुछ? जबान नहीं है क्या मुंह में? मुझे ऐसे ही देख रहे हो या इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो? मुझे सब पसंद नहीं है, समझे? अगर तुम कुछ कहना ही चाहते हो तो साफ साफ कहो, वरना यहाँ से चलते बनो, समझे? हम दोनों यहाँ से कहीं दूर भाग जाए। मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं, कल शाम को 5 बजे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा लेक के पास। मैं नहीं आऊंगी। मेरा दिल मत तोड़ना। मैं नहीं आने वाली। तुम्हें आना पड़ेगा। अपना वक्त बर्बाद करोगे, मैं नहीं आऊंगी। मैं फिर भी इंतजार करूंगा। 5 बजे पाँच मैं नहीं बजे तुम्हें आना पड़ेगा। मैं नहीं आने वाली। कल शाम 5 बजे। माई फुट अपने आप को बड़ा ग्रेट समझता है, सारी ग्रेटनेस निकल जाएगी क्योंकि कल मैं नहीं आने वाली, नहीं आने वाली, नहीं आने वाली। चल चमची। डिंग डोंग डिंग, एक दो तीन चार पाँच पाँच। ए, तेरी सुई 5 पे क्यों अटक गई? ऐसे ही टाइम कितना हुआ है? 4 4 मतलब 5 बजने में 1 ही घंटा बचा है। तुझे क्यों फिक्र हो रही है, कहीं जाना है क्या? मुझे नहीं, किसी को किसी से मिलने जाना है, मगर जिसे जाना है उसे तो कोई फिक्र ही नहीं हो रही। कौन है, कौन है? किसे मिलने जाना है, किसे मिलने जाना है? किसे जाना है उसके कानों तक तो पहुंचा दो कि किसे जाना है। 4 बज गए। 1 2 3 4 5 5 5 5। चलती गई थी, अभी तुझे बताती हूँ किसको मिलने जाना है। अभी तेरा 1 2 3 बजाती हूँ, मर यहाँ पर। ए! तुमने तो कहा था कि तुम नहीं आओगी और मैं अपना वक्त बर्बाद ना करूं, फिर क्यों चली आई, वो भी वक्त पर? क्या बात है। इतना मजबूर तुम्हें किसने किया? मैंने ना। मैं तुम्हें अच्छा लगता हूं? हे, सच बताओ, मैं तुम्हें पसंद हूं ना? मैं तुम्हें पसंद हूं ये तो मुझे मालूम हो ही गया है, मगर कितना पसंद हूं ये तुम ही बता दो। बताओ ना, बताओ। Thank you.
क्या हुआ? वो जो अपना देवदास था ना, मैंने उसे पानी में धक्का दे दिया। क्या? अब क्या होगा उसका? अब तक तो उसका काम भी हो चुका होगा। नहीं बताऊंगी। सोच लो, वरना मैं भगवान से पूछूंगा। पूछो पूछो पूछो। भगवान! ये क्या कर रहे हो? भगवान से बात कर रहा हूं। पागल हो गए हो क्यों? नहीं, बिल्कुल नहीं। चुप रहो ना प्लीज। क्यों चुप रहो? हैं? भगवान! की मैं तुम्हारे पैर जोड़ती हूँ, हाथ पड़ती हूँ। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, प्लीज चुप हो जाओ। तो फिर बोलो, मैं तुम्हें पसंद हूं? अच्छा अच्छा, ठीक है, पसंद हो। बोलो, I love you। तुम्हें? सूरत देखिए कभी। अच्छा बाबा, I love you। I love you too।